स्टैंडर्ड 6 मैथ्स। चलो बच्चों, हम ये वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 17 स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले प्रैक्टिस सेट 16 का एक सम हमारा रह गया था, सो वी आर गोइंग टू डू द फिफ्थ सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 16 फर्स्ट। क्वेश्चन है, वेदिका हैज 23.50 मीटर्स ऑफ क्लोथ। वेदिका के पास 23.50 मीटर क्लोथ है, क्लोथ यानी कपड़ा। She used it to make 5 curtains of equal size. She used that cloth. उस कपड़े को उन्होंने यूज़ किया to make 5 curtains. Curtain क्या होता है? पर्दा। 5 पर्दा बनाने के लिए of equal size. सभी curtain का size equal है. If each curtain required 4 meters, 25 centimeters to make, अगर हर एक, each यानी हर एक कर्टन को बनाने के लिए कितना क्लोथ लग रहा है? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लोथ अगर एक एक कर्टन के लिए लगता है तो हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट ओवर, कितना क्लोथ बचेगा। सो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स जैसा बनाया। लेट अस थिंक दैट दिस इज द होल क्लोथ। ये पूरा क्लोथ है जो वेदिका के पास है। इसका लेंथ मतलब पूरा एरिया कितना है? 23.50 मीटर उसका लेंथ है इस क्लोथ का। इस क्लोथ में से 5 इक्वल साइज कर्टन बनाया है उन्होंने। क्या बनाया? कर्टन बनाया, 5 कर्टन बनाए, हर एक कर्टन का साइज सेम है, इक्वल साइज। तो यहाँ पर समझो 1 कर्टन, ये इधर से इधर तक 2 कर्टन, यहाँ से यहाँ तक 3 कर्टन, ये 4 कर्टन, ये 5 कर्टन, ये 5 कर्टन इक्वल साइज का बनाया समझो, ओके। और उसके बाद और एक कर्टन बनाने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, इतना कपड़ा जो है लेफ्ट ओवर, ओके, ये कपड़ा लेफ्ट ओवर है। तो ये इधर से इधर ये जो कपड़ा है ये कितना है? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये भी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये भी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये वाला भी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये भी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कितने टाइम्स लिए? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड सी हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 5 कर्टन्स। तो हमें ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि पूरा 5 कर्टन के लिए कितना क्लोथ लगा। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 23.50 मीटर है उनके पास। उसमें से ये 5 कर्टन का कितना है वो टोटल पता चलेगा। तो ये फुल क्लोथ में से ये 5 कर्टन का क्लोथ को माइनस करोगे तो हमें लेफ्ट ओवर मिलेगा, बराबर। ये टोटल में से यहाँ तक का माइनस करो, दैट मीन्स 5 कर्टन्स को जितना लगा वो माइनस करो, तो लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ क्लोथ कितना है मिलेगा। तो ये सम सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स पहला लिखना होगा। चलो यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? एक कर्टन के लिए कितना क्लोथ लगेगा, बराबर। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कर्टन, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कर्टन कितना है? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। उसको हम पॉइंट में डेसिमल में कर लेते हैं, 4.25, और अभी मीटर सिर्फ लिखेंगे, 4.25 मीटर। एक कर्टन के लिए इतना क्लोथ लगेगा, अभी हमें 5 कर्टन का देखना है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 सच कर्टन्स, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 सच कर्टन्स। क्या करेंगे? इसको ये जो सिंगल कर्टन को जितना क्लोथ लगेगा वो क्लोथ को किससे इंटू करना है? 5 से, क्योंकि 5 कर्टन्स का देखना है। तो अभी ये मल्टीप्लीकेशन हम ये 425 मल्टीप्लाइड बाई 5 इस तरह करेंगे, पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है। 5 5 ज़ा 25 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 1 21। और अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम पॉइंट डाल देते हैं, या फिर यहाँ पर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट इधर करते हैं। 2 1 2 5 2125, पॉइंट के बाद 1 2, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट लास्ट में से गिनो फिर पॉइंट डालो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया। इतना मीटर क्लोथ लगेगा 5 कर्टन्स के लिए। तो यहाँ पर जो हमने इमेज बनाए थे तो टोटल कितना लेंथ है? 23.50, और 5 कर्टन के लिए कितना? 2 प्लेस इधर छोड़कर पॉइंट डालना है, क्योंकि इधर क्वेश्चन में
पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, यहाँ पर भी आंसर में भी पॉइंट के बाद दो डिजिट आना चाहिए, तो आंसर हुआ 21.25 मीटर। ये हुआ 5 कर्टन्स के लिए जितना क्लॉथ लगा उतना। और अभी हमें क्या करना है, ये टोटल जो क्लॉथ है 23.50, उसमें से हमें 5 कर्टन के लिए जितना चाहिए वो हटा दो, 21.25 हटा दो यानी माइनस करो, तो क्या मालूम पड़ेगा हमें, लेफ्ट ओवर क्लॉथ कितना है पता चलेगा। तो अभी हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ कितना था उसके पास, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया टोटल क्लॉथ्स। टोटल क्लॉथ हो गया हमारे पास कितना, सॉरी यस टी एच ओ सी एल ओ टी एच एस, टोटल क्लॉथ कितना था हमारे पास 23.50 मीटर क्लॉथ था टोटल, कितना सॉरी किसके पास, वेदिका के पास। देयरफॉर अभी कितना क्लॉथ बचा, क्लॉथ लेफ्ट, जो बचा हुआ क्लॉथ देखने के लिए टोटल जो क्लॉथ था उसमें से जो यूज़ करने वाला टोटल क्लॉथ कितना है उसको क्या करो, सब्ट्रैक करो, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करने जा रहा है 23.50, सब्ट्रैक्शन में पॉइंट साथ में लिखना कंपलसरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 को काट के हमने ऊपर लिखा, यहाँ से 1 इधर ले आया, तो इसके पास 4 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 1 जाएगा 2, 0 में 2 में से 2 गया 0, स्टार्टिंग का 0 नॉर्मली लिखते नहीं हो, 2.25 मीटर इतना क्लॉथ बच गया। सो फाइनल आंसर वी शुड राइट 2.25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 17th प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 17 करने से पहले हम एक बार जो पहले हमने किया हुआ फ्रैक्शन का डिवीजन को एक बार देख लेते हैं। फ्रैक्शन का डिवीजन करने के लिए सपोज समझो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3, मुझे इसको डिवाइड करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को एज इट इज जैसा है वैसे लिखेंगी, डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई, और सेकेंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा न्यूमरेटर नीचे आएगा, उल्टा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, दैट मीन्स 2/3 बन जाएगा 3/2। वापस से फर्स्ट फ्रैक्शन को जैसा था वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई, डिविजन के बदले मल्टीप्लाई, और सेकेंड फ्रैक्शन को ऊपर नीचे चेंज करेंगे, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो इस तरह होने के बाद ये दोनों को कटिंग करने के लिए पॉसिबल है तो कटिंग करना है, सो आई एम राइटिंग यह 5/3 एक साथ ऊपर, 7/2 एक साथ नीचे, कोई सेम टेबल में आने वाला ऊपर और नीचे है तो कटिंग कर सकते, अदरवाइज वी कैन मल्टीप्लाई दिस, 5/3 = 15, 7/2 = 14, इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 15/14। अनदर वन 2/5 / 2/3, इसको करना है इस इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखना है कोई चेंज नहीं करना, और डिवीजन के बदले हम डालेंगे इनटू, उसके बाद 2/3 उल्टा हो जाएगा 3/2। अब एक साथ में लिख दो इसको 2/3 5/2, यहाँ पर देखो बेटा 2 और 2 एक दूसरे के टेबल में जाता है ऊपर नीचे, 2 1 2 2 1 2, 3 और 5 नहीं जाता, तो यहाँ पर हमें 1/3 1/3 = 3, 5/1 5/1 = 5, इस तरह ही आंसर मिल जाता है। लास्ट वन मोर एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी 4/7 / 3, ये करना है लेकिन यहाँ पर अपॉन नहीं है, कोई बात नहीं, अपॉन जिसके नहीं होते हैं उसके नीचे हम अपॉन 1 डाल सकते हो, तो 4/7 / 3, ये 3 का मतलब हो गया 3/1, कोई भी नंबर को ऐसे ही सादा नंबर दिया है और उसको एक अपॉन हमें चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ लिखना ही है, सो वी कैन राइट 1, 3 बोलो या 3/1 बोलो बोथ आर सेम, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 4/7 डिविजन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 3/1 बन जाएगा 1/3, उसके बाद ऊपर वाले सेम साथ में लिखो, नीचे वाले और नीचे वाले साथ में लिखो,
कटिंग कोई भी नंबर एक सेम टेबल में नहीं आ रहा है तो कटिंग पॉसिबल नहीं है। 4 1s are 4 ऊपर, 7 3s are 21 नीचे। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 17। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4.8 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 4.8 डेसिमल फॉर्म है उसको पहले हम कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन में। ये जो कन्वर्शन है हम लोगों ने 15th प्रैक्टिस सेट में किए थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। 4.8 को बिना पॉइंट के 48 लिखा, अपॉन पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमें 10 लिखना होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 10 में 10। पॉइंट के बाद अगर इधर दो डिजिट होते तो यहाँ पर 100 लिखते, क्योंकि 100 में 20 है। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट्स होते तो हम 1000 लिखते, क्योंकि 1000 में 30 है। 48 अपॉन 10, और ये डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 इक्वल्स, चलो यहाँ पर इस इक्वल टू डालती हूँ, 48 अपॉन 10, और ये डिविशन चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1 बन जाएगा 1 अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पर कटिंग आपको करना है। आप जो एक कटिंग करेंगे वो इस तरह करना कि नीचे आपका 10 अदरवाइज 100 नहीं तो 1000 इस तरह कोई नंबर नीचे बचे, ताकि इसको वापस से आप क्या कर सके, डेसिमल में कन्वर्ट कर सके। समझ रहे हो? इस तरह कटिंग करना कि नीचे 10 को बचा कर रखो, 100 आना चाहिए नीचे या फिर 1000 आना चाहिए, इनमें से कोई नंबर्स आना चाहिए। तो ये 2 के टेबल में देखो ये 48 जाता है, 2 के टेबल से 48 को काट सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये पूरे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे का नंबर को 100 में कन्वर्ट करो। आगे एक्चुअली स्पेस नहीं है तो मैं नीचे ले जा रही हूँ इसको। 48 × 1 / 10 × 2 इस तरह एक साथ लिखा, ऊपर जो दो नंबर्स है दोनों को एक साथ, नीचे दो नंबर्स है उसको एक साथ। कटिंग करना एक्चुअली आपके लिए एक नया चीज़ है, एक बार ट्राई करते हैं, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे हम, इसको 2 के टेबल में 48 आता है तो 2 से इन दोनों नंबर को काट रहा है। 2 के टेबल में 2 1s are 2 आता है और ये 48 को काटेंगे हम पहला 4 को। 2 के टेबल में 4 कभी आता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हो गया ख़त्म। अभी 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, आपको मिल जाता है 24। ऊपर हो गया 24, क्योंकि 24 1s are 24 अपॉन 10 1s are 10। ये और काट सकते थे 10 और 24, लेकिन हमें नीचे 10 रखना है ताकि हम आसानी से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। 10 के लिए 4, 1 के लिए पॉइंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 10 तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक ही एक डिजिट यानी 4 पॉइंट के बाद आएगा, 2 पॉइंट के पहले आएगा। डिनोमिनेटर में 10 है, 10 में 10 तो पॉइंट के बाद भी 10, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको लिखने के बाद एक प्लेस के पीछे पॉइंट, 2.4 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 17.5 डिवाइडेड बाई 5। इसका आंसर पहले लिख देते हैं, 17.5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स, 17.5 को कन्वर्ट करो कॉमन फ्रैक्शन में, 1, 7 और 5 विदाउट पॉइंट लिखा, अपॉन पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 10 और ये डिविशन। 5 का मतलब होता है 5 अपॉन 1। अभी यहाँ पर सामने सब हॉरिजॉन्टली करने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसके लिए मैं नीचे नीचे कर रही हूँ। इस इक्वल टू 175 अपॉन 10, डिविशन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन, 5 अपॉन 1 हो जाएगा 1 अपॉन 5 इक्वल्स। अभी यहाँ पर हमें नीचे 10 को रखना है, 5 नहीं चाहिए, 5 के टेबल में 175 जाता है क्योंकि लास्ट डिजिट आप चेक करो 5 है, लास्ट डिजिट में 5 और 0 रहता तो 5 के टेबल में जाता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखा, 175 × 1
और नीचे वाले को भी एक साथ लिखा 10 × 5। इसके बाद इसका कटिंग मैं साइड में कटिंग करके देती हूँ, 175 × 1 10 × 5। 5 के टेबल में ये जाता है, 5 1s are 5 और इसको भी 5 से काटना है। 1 तो छोटा है, 5 के टेबल में एक भी बार नहीं आता, तो और एक नंबर साथ में लिया, क्या है वो 17। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 17 नहीं आता। 17 से छोटा तो आता है, जैसे हम डिवाइड करने के टाइम पे करते हो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 तक यहाँ पर जाता है। 5 3s are 15 जाने के बाद 17 में कितना बच जाता है, 15 के बाद 17 में 16, 17 कितना बच जाता है 2। 5 3s are 15 हटा दो 17 में से, 15 जाने के बाद 17 में 2 बचता है, वो 2 को इस 5 के पीछे डालिए, मतलब यहाँ पर 2 बचा, उस 2 को ये वाले 5 के पीछे, मतलब 5 इधर था उसके पीछे 2 को डालो, क्या बन जाएगा वो 25। तो हम इसको 25 कंसिडर करेंगे और 5 का टेबल अभी काउंट करेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, हमें मिला 35। ओके, कटिंग को और एक बार मैं आपको बताती हूँ, 175 × 1 10 × 5, ये दोनों 5 के टेबल में जाता है, दोनों को काटा, ये 5 के टेबल में 1s are जाता है, ये जो है 5 के टेबल में जाता है लेकिन 1 नहीं जाता, छोटा है, तो और एक नंबर को ले लिया 17। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are तक नहीं आता क्योंकि 20 हो जाता है, तो 5 3s are 15 इसमें से निकालो 17 में से, तो 17 में क्या बचेगा 15 जाने के बाद 2, उस 2 को ये 5 के जस्ट पीछे लगाओ, 2 और 5 बाजू बाजू में, क्या होगा वो 25 होगा। अभी 5 का टेबल काउंट करो, 5 5s are 25, इस तरह हमारा आंसर हो गया 35। तो ऊपर 35 और नीचे 10, 10 को नहीं काटना, एक्चुअली 10 से भी काट सकते हैं लेकिन हमें 10 को रखना है क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10, 100, 1000 ये सब नीचे आना चाहिए ना। इस इक्वल टू ये 3 और 5 को वैसे ही रखा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 0, तो हमें एक डिजिट को राइट साइड में छोड़कर एक डिजिट छोड़ दो, उसके बाद पॉइंट डालो 3.5। 20.6 डिवाइड बाई 2, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, 20.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 206 बिना पॉइंट के, और पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 1 0 वाला 10, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 2/1 इक्वल 206 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, इन डिविजन को क्या करने करेंगे हम, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2/1 हो जाएगा 1/2। ओके, नाउ यहाँ पर भी हमें 10 को बचाना है, 2 को काटना है, तो यहाँ पर राइट साइड में मैंने ले लिया 206 × 1/2, ये दोनों ऊपर साथ में लिया 10 × 2, राइट साइड में इसका वर्किंग कॉलम ले लिया, 2 के टेबल में 2 के टेबल में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, देखो लास्ट में 6 है ना बच्चा, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो 2 के टेबल में जाता है, और ये भी जाएगा, ये भी जाएगा 2 के टेबल में, 2 के टेबल में ये जाता है 1s are, और ये जाएगा 2 1s are 2, 0 कितना बार जाएगा 2 0s are 0, और 3 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 103 मिला, 103 × 1 हो जाता है 103 अपॉन 10 1s are 10। अब आप इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये पूरे नंबर वैसा रहेगा, 1 0 इधर तो एक डिजिट के पीछे पॉइंट, एक डिजिट यानी वो 3 है उसके पीछे पॉइंट, बाकी दोनों यहाँ 10.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.5 डिवाइड बाई 25, तो क्या करेंगे पहले 32.5 को डेसिमल में करेंगे, सॉरी कॉमन में करेंगे, 32.5 डेसिमल में है उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 325 लिखा उसको बिना पॉइंट, पॉइंट को हटा दिया बाकी वैसे ही लिखा 325,
अब पॉइंट पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो हमने क्या किया 10 लिखा, पॉइंट के बाद दो डिजिट होता तो 100। ओके अभी ए डिवाइडेड बाय 25 का मतलब होता है 25/1, 25/1। स्टार्टिंग का जो नंबर है 325/10 वैसे ही रहेगा, डिविशन बन जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, 25/1 बनेगा 1/25 इक्वल्स। अभी इसको यहाँ पर हमको क्या करना है, 10 को रखना है बचाकर, 25 के टेबल में ये जाएगा। देखो 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, तो 25 से आसानी से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो कटिंग दिखा रही हूँ, 325/10 इंटू 1/25। इसको डायरेक्ट आप 25 के टेबल से कटिंग कर सकते हो। 25 का टेबल एक्चुअली आपको बताई थी मैंने पहले कभी कोई एक वीडियो में, फिर भी देखो 25 का टेबल बहुत आसान है। 25, 50, 25 का डबल और 75, और उसके बाद 100। 25 1 सा, 25 2 सा 50, 25 3 सा 75, 25 4 सा 100। ये टेबल को आप बैठ करोगे तो अच्छा है, बहुत आसानी से बैठ हो जाएगा। और उसके बाद आएगा 125, 150, ओके 175, 200, और उसके बाद 225, 250, 275, 300, 325, 350। इस तरह 25 का टेबल को हम कंटिन्यू करते जा सकते हो। तो आगे अगर मैं लिखूँ इसको, तो 225, 250, 275, 300 और उसके बाद 325, बराबर है। तो इधर ही हमारा काउंट हो गया, देखो 25 1 सा, 25 2 सा 3 सा 4 सा, 25 5 सा 125, 25 6 सा 150, 25 7 सा 175, 25 8 सा 200, 9 सा 10 सा 11 12 13 सा, 25 13 सा 325 है। तो डायरेक्ट आप चाहे तो इसको कटिंग कर सकते हो, 25 1 सा, 25 13 सा, ओके 25 13 सा 325, क्योंकि इस तरह आप काउंट करोगे तो आसानी से मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 25 13 सा 375। तो आपको मिला ऊपर 13 1 सा 13 और नीचे 10 1 सा 10। अभी इसको कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। एक डिजिट के बाद पीछे पॉइंट डालो और 1, 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग, एक रोड का लेंथ है 4 किलोमीटर 800 मीटर। इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड्स, अगर ट्रीज को झाड़ को लगा रहे, पेड़ लगा रहे हैं ऑन बोथ इट्स साइड्स, उसके वो रोड के दोनों साइड में, एट इंटरवल्स ऑफ 9.6 मीटर, एक एक ट्री के बीच में कितना गैप है 9.6 मीटर, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड, इस तरह है। तो कितना ट्रीज वो रोड के दोनों साइड में टोटल लगा सकते हैं। देखो रोड है, उस रोड का लेंथ है 4 किलोमीटर 800 मीटर, और ट्रीज को लगा रहे हैं, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में लगाना है, और एक एक ट्री के बीच में का गैप, इंटरवल यानी गैप कितना है 9.6 मीटर है। तो हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड। अभी ये देखो मैंने ये रोड बनाया है, और इस रोड में स्टार्टिंग में तो यहाँ पे 0 मीटर है डिस्टेंस, बराबर। सो पहला ट्री यहाँ पर लगाया जाएगा, पहला ट्री इधर लगाया, और उसके बाद 9.6 मीटर के गैप में दूसरा ट्री लगाएगा, और उसके बाद वापस से 9 पॉइंट, इधर से इधर तक 9.6 मीटर गैप है, और यहाँ से यहाँ तक भी 9.6 मीटर गैप है। तो यहाँ पर दूसरा ट्री, नेक्स्ट ट्री लगाएगा, फिर वापस से 9.6 मीटर गैप में और एक ट्री लगाएंगे, फिर 9.6 मीटर गैप में फिर से ट्री लगाएंगे, बराबर। तो यहाँ से इधर तक ट्रीज लगाते जाएंगे 9.6 मीटर गैप में बार बार, और इधर भी वैसे ही लगाएंगे ना, ये 0 वाले मीटर, 0 मीटर का जगह में एक ट्री लगाया, नेक्स्ट दूसरे लगाए, फिर और एक लगाया, कितने गैप में 9.6 मीटर गैप में, यहाँ पर भी लगाते जाएंगे।
तो इस लाइन का पूरा ट्री को और इस लाइन के पूरे ट्री को काउंट करेंगे तो कितना ट्री लगा सकता है। तो अभी आपको मैं एक ये जो 9.6 और ये जो दिया हुआ कैलकुलेशन गया नंबर के बदले दूसरा एक नॉर्मल छोटा सा नंबर के साथ हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसा ये फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जो मैं कर रही हूँ आपको समझाने के लिए है, दूसरा एक छोटा सा यूनिट ले रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक इस रोड का लेंथ है समझो 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का रोड का लेंथ है 10 मीटर। ओके, तो ये 10 मीटर का गैप में हमें 10 मीटर का ये फुल रोड रोड पे हमें ट्रीज लगानी है एट एन इंटरवल ऑफ 2 मीटर, दो दो मीटर के इंटरवल में मुझे ट्री लगानी है। तो पहला ट्री तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, बराबर है, तो ये 10 मीटर पूरा है तो दो दो मीटर इसको डिवाइड करना पड़ेगा दो दो मीटर में। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और लास्ट इधर से इधर तक 2 मीटर। आप अभी एक टोटल काउंट करो 1 2 2 4, देखो 1 2 3 4 5, 4 5 2 10, तो ये 10 मीटर का रोड को मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितने पीसेस मिले, 1 2 3 4 5 पीसेस मिला। तो यहाँ पर एक ट्री लगाया, इधर एक ट्री लगाया, यहाँ पे एक ट्री लगाए, इधर लगाया एक ट्री, यहाँ पर लगाया एक ट्री, पूरे कितने ट्री लगाए, 1 2 3 4 5 6 ट्री लगाया। ये 6 किस तरह आएंगे, पहले देखो 10 मीटर का रोड था उसको किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10 कितना मिला आपको, 5 मिला। तो इधर 5 ट्रीज लगाएंगे गैप के आपके हिसाब से, पर स्टार्टिंग का जो ट्री है 0 गैप में लगाने वाला है ना, 0 किलोमीटर में लगाएंगे, इधर 0 है, तो ये 5 1 2 3 4 5 के साथ स्टार्टिंग का जो ट्री लगाएगा दैट इज 0 में, तो 5 ट्रीज ऑलरेडी हमने लगाया। 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 मिल रहा है ना बच्चा, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 मिला, 5 ट्रीज तो है गैप गैप के हिसाब से, लेकिन फर्स्ट जो ट्री होगा वो 0 मीटर में है तो फर्स्ट ट्री को भी काउंट करो। कुल मिला के कितना ट्रीज हो गए, 6 ट्रीज, समझ रहे हो, 10 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 मीटर था पूरा लेंथ और गैप कितना है, इंटरवल कितना है 2 मीटर, तो वो 2 मीटर का इंटरवल 10 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें मिला 5, तो 5 ट्रीज हो गया वो हिसाब से 5 ट्रीज। लेकिन स्टार्टिंग वाला ट्री जो है वो 0 मीटर पे लगा रहे हैं, यानी एकदम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, तो उस ट्री को भी ऐड कर लो, तो 5 ट्रीज यहाँ पर हो गया और वापस एक और ट्री तो 6 ट्रीज हो गया। इसी तरह दूसरे साइड में भी रोड के दोनों साइड में लगा रहे, बोले बराबर, दूसरे साइड में भी 2 2 के गैप में कितना ट्रीज बन जाएगा, यस 5 ट्रीज बन जाएंगे, और स्टार्टिंग का एक और ट्री जो 0 मीटर पे है तो इधर 6 मीटर 6 ट्रीज, तो ये 6 ट्रीज और ये वाला 6 ट्रीज टुगेदर मिलकर कितने ट्रीज हो जाएंगे, 12 ट्रीज हो जाएगा पूरे, समझ रहे हो। तो इसी तरह हमारा जो पहले वाला केस है जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया था उस क्वेश्चन को देखोगे तो स्टार्टिंग का एक ट्री को हटा के रखो, 9.6 के गैप में कितना ट्रीज मिलेगा पूरे बनेंगे वो हमें देखने के लिए फुल लेंथ ऑफ द रोड को 9.6 से डिवाइड करो। जिस तरह फुल लेंथ ऑफ द रोड 10 माना और उसको 2 से डिवाइड किया, इसी तरह फुल लेंथ ऑफ द रोड को 9.6 से डिवाइड करो, तो ये एक छोड़ के बाकी कितना ट्रीज मिलेगा वो पता चलेगा। वो ट्री के साथ स्टार्टिंग वाला 0 मीटर वाला जो ट्री है उसको भी ऐड करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द सम। वापस हम क्वेश्चन में आया, लेंथ रोड का पूरा कितना है, 4 किलोमीटर 800 मीटर है। पहला स्टेप लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड, रोड का लेंथ कितना है बच्चे, 4 किलोमीटर 800 मीटर, बट यहाँ पर हमने इंटरवल कितना दिया हुआ है ट्रीज के बीच का, 9.6 मीटर। ये जो चीज मीटर में दिया ये किलोमीटर और मीटर दोनों में दिया, तो ये सम कैलकुलेशन करने के लिए दोनों यूनिट को सेम करना जरूरी है।
एक तो किलोमीटर में करो या फिर मीटर में करो। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने से आसान, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको भी मीटर में रखे करूँगी, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट किलोमीटर, मीटर दो यूनिट है, यहाँ पर एक ही यूनिट है, दैट इज़ मीटर। तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 4 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 4,000 मीटर, और यहाँ पर प्लस 800 मीटर। ये 4,000 मीटर और 800 मीटर कुल मिलाकर कितने मीटर हो गए, 4,800 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ द रोड को भी हमने 4,800 मीटर में कन्वर्ट किया, और इंटरवल भी मीटर में, ए भी मीटर में, ए भी मीटर में। तो अभी हम आसानी से डिवीजन कर सकोगे। अभी हमें क्या लिखना है, इंटरवल्स बिटवीन द ट्रीज, इंटरवल्स बिटवीन द ट्रीज, या फिर गैप्स बिटवीन द ट्रीज, इंटरवल्स बिटवीन द ट्रीज। ट्रीज के बीच में कितने इंटरवल है, कितने गैप है, 9.6 मीटर, 9.6 मीटर का गैप है। ओके, और इस गैप में मतलब इतने गैप के हिसाब से ये रोड के अंदर कितना ट्रीज लगा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप है नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्री लगा सकते हैं, कैन बी प्लांटेड। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। नंबर ऑफ ट्रीज क्या करोगे, 4,800 डिवाइडेड बाई 9.6, 4,800 मीटर डिवाइड बाई 9.6 मीटर। इस डिवीजन को किस तरह हमें करना है, डिवीजन को हम करेंगे, ये तो सादा नंबर है तो ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट नंबर को कोई चेंजेस नहीं करता वैसा भी, मतलब अगर डेसिमल में होता तो हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये सादा नंबर है, इट्स अ काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। डिवाइडेड बाई 9.6 को क्या करेंगे, 96/10, इसको डेसिमल में से कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 96 बिना पॉइंट के लिखे और पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 10, 96/10। अब 4,800 वैसे ही, और ये हुआ, चाहे तो इसके नीचे वन डाल सकते हो, डिवीजन बन जाएंगे मल्टीप्लाई, और सेकंड वाले जो ये फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल, यानी 10 ऊपर जाएगा, 96 नीचे। इसका कैलकुलेशन करने के लिए भी हम कटिंग यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वर्किंग कॉलम बनाया, 4,800 और 10, ये दोनों ऊपर है क्योंकि इसके नीचे वन होता है ना, और नीचे वन और 96 है, वन की ज़रूरत तो नहीं है, 96। इसका भी कटिंग आप कर सकते हो, ये 10 रहने दो, ये जीरोस भी, ये 48 और 96 दोनों, देखो ये दोनों नंबर 2 के टेबल में जा रहा है, मैं इसको और इसको 2 से काटने जा रही हूँ। 2 के टेबल में 2, पहला नंबर ले लेना 9, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 9 नहीं आया लेकिन उससे छोटा आया है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 तक आता है, 2 4 8 इस 9 में से ले लिया हमने, 2 4 8 तक काउंट किया, बाकी कितना बचा है 9 में, 2 4 8 तक काउंट करके हटाया, तो बाकी 9 में से 8 हटाने के बाद 1 बचा, उस 1 को ये 6 के जस्ट पहले डालकर इमेजिन करो कि क्या नंबर बनेगा, 1 पहले और 6, 1 और बाजू में 6, क्या नंबर बनेगा, 16। 4 के टेबल अभी 16 तक, सॉरी 2 के टेबल, 2 के टेबल अभी 16 तक काउंट करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, तो आपको 48 मिला। और इसका भी काउंट करना बाकी है, पहला नंबर है 4, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 4, और 8 भी आता है, 2 4 8, 2 0 0, ये 0 के लिए 2 0 0। ओके, अब वापस से ये भी 2 में जा रहा है, ये भी 2 में जा रहा है, तो कटिंग करो, 2 से इसको भी, 2 से इसको भी काट रहा है, यहाँ पर 2 का टेबल काउंट करो, 2 2 4, और ये होगा 8, 2 4 8, यहाँ पर 2 1 2, और ये 4 आएगा, 2 2 4, 0 के लिए 2 0 0, 0 2 0 0। अब आप देखोगे तो ये 12 है और ये 24 है, सॉरी अगर आपको 12 का टेबल आता है तो डायरेक्ट ये कटिंग हो जाएगा, 12 का टेबल, 12 1 12, 12 2 24, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट 12 से काट कर रही हूँ, इसको भी 12 से कट कर रही हूँ, 12 2 24, 12 1 12, और ये 12 0 0, 12 0 0।
अब ये 2 और ये 100 कट होएगा, या फिर 2 और 10 भी कट होएगा। 2 और 10 को काट रही हूँ, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, और ये मिला 10 फाइव 100 फाइव ज़ा 500, पूरा कट होकर हमें मिलता है 500। सपोज अगर आपको ये कटिंग नहीं समझ में आता तो देन वी कैन डू द डिविजन। डिविजन कैसा करेंगे, 4800 या 4800 को 10 से इंटू करो और उसको 96 से डिवाइड करो, उससे आसान है कटिंग है। कटिंग को और एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, सम होने के बाद, पूरे सम कैलकुलेशन होने के बाद इसको वापस आपको दिखाती हूँ किस तरह कटिंग करना है। तो हमें नंबर ऑफ ट्रीज मिला 500, लेकिन ये 500 मतलब हमने जो ऑलरेडी बनाया, देखो हमारा जो रोड बनाए थे, ये हमारा रोड था बराबर, स्टार्टिंग का पॉइंट है, और यहाँ से हम एक एक गैप में मतलब 9.6 के 9.6 के गैप में झाड़ लगाते जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्टिंग का 0 मीटर का छोड़ के बाकी कितना झाड़ बना, 500 झाड़ लगा पाए, 500 ट्रीज। लेकिन स्टार्टिंग का एक और है ना, फर्स्ट ट्री इज प्लांटेड एट 0 मीटर, पहला ट्री जो है 0 मीटर में प्लान किया हुआ है, वो एक ट्री को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 501 ट्रीज हो गए। जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट ट्री 0 मीटर में लगाया, बाकी पूरे कितने ट्री से, 1 2 3 4 5 ट्री से, उस 5 के साथ ये फर्स्ट ट्री को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट द फर्स्ट ट्री इज प्लांटेड एट 0 मीटर, फर्स्ट ट्री 0 मीटर में प्लांट किया हुआ है, ये ओम लग रहा है ना, तो 0 मीटर, 0 मीटर, पहला ट्री तो 0 मीटर में प्लान किया है। तो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड कितना हो गया, 500 अभी जो हमें मिला, और स्टार्टिंग का वो ट्री वन, मिलकर कितने हो गए, 501 ट्रीज हो गए। तो अगर दोनों साइड में होगा तो क्या होगा, देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ट्री, बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, दोनों साइड, रोड के दोनों साइड में लगाए हुए हैं। तो एक साइड में 501, तो दोनों साइड का, दो साइड का देखने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 साइड होता है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 साइड होता है तो मल्टीप्लाइड बाई 4, लेकिन रोड को तो दो ही साइड है, तो दोनों साइड का देखने के लिए 501 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 501 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, टोटल कितने प्लांट्स, कितने ट्रीज लगाए, 2002 इतना ट्रीज। तो आंसर हमारा फाइनल हम लिखेंगे, देयर वर 1002 ट्रीज, कितने ट्रीज से पूरे 1002 ट्रीज लगाए। ये सब को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट कटिंग ऑफ द सम्स अगेन, थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए। 4800 इंटू 10 सम हो गया है, ये डिवीजन को कटिंग को वापस से बता रहा है, तो आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 4800 इंटू 10 अपॉन 96, इसके लास्ट डिजिट में 0 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 2 4 6 8 कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट होंगे तो ये सभी नंबर 2 के टेबल में जाएगा, सभी नंबर 2 के टेबल में जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो ये दोनों जाएगा 2 के टेबल में। तो इसको 2 का टेबल से मैंने काटा, तो मुझे यहाँ पर 2 का टेबल काउंट करना है। 2 के टेबल के लिए पहला नंबर लिया 9, एक साथ नहीं हो पाएगा, तो 9 को काउंट करके दे, मतलब 2 के टेबल काउंट करना है, 9 कभी आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा नहीं आता क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, तो 2 4 ज़ा 8 निकल गया किस में से, 9, 2 4 ज़ा 8 तक काउंट किया, तो 9 बनने के लिए अभी कितना बाकी है, 8 होने के बाद, 8 चले जाने के बाद 9 में 1 बचा, उस 1 को ये 6 के पहले डालो, 6 के जस्ट पीछे, तो क्या बनेगा, 1 और बाजू में 6 क्या होगा, 16। वापस है, हम कौन से टेबल गिन रहे थे, 2 का, 2 8 ज़ा 16, 16 तक काउंट करोगे तो 2 8 ज़ा, और ऊपर भी इसी तरह 2 का टेबल काउंट करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
फोर पहला, टू टू ज़ा फोर, और एट के लिए काउंट करो तो टू फोर ज़ा एट, ज़ीरो में टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, इतना कटिंग हुआ। उसके बाद वापस से देखो दोनों टू के टेबल में जाता है, तो टू से इसको फिर से काटा, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, इसको इसको भी काटा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। इसके बाद मैंने एक्चुअली डायरेक्ट 12 से कट कर दिया था, क्योंकि 12 का टेबल में ये भी आता है ये भी आता है। अगर आपका 12 का टेबल नहीं आता तो फिर से चलो 2 का टेबल से कटते हैं, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, और यहाँ पर आएगा वन तो नहीं जाता है, छोटा है, तो 12 को एक साथ लिया, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, और ये टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। अभी आपके पास 600 और 2 है, 12 है, ये 6 और 8, 12 एक साथ एक दूसरे के टेबल में जाता है, तो आप 6 का टेबल काउंट कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, 2 से कंटिन्यू कर सकते हो, 2 के टेबल से कंटिन्यू करोगे तो 2 6 आर 12, और ये होता है 2 3 आर 6, और ये 2 0, 2 0 आर 2 0 आर। वापस से ये देखो 3 है और ये 6 है, दोनों सेम टेबल में जाता है, 3 से कट कर लो, 3 1 आर 3, और 3 0 आर 0, 3 0 आर 0, 3 से काटा, ये भी 3 में जाता है, 3 2 आर 6। अब ये 2 1 आर 2, इसको काटना है तो इसको काटो, नहीं तो 100 को, मैंने 10 को काटा, 2 5 आर 10। नीचे पूरे खत्म हो गया, बचा सिर्फ 1 बचा, ऊपर क्या क्या है, 100 और 5 है, तो ऊपर का दोनों को इंटू करो, 100 5 आर 500, 5 1 आर 5, और 2 0। नीचे खत्म हो जाते हैं तो ऊपर का इंटू करो, दैट विल बी द आंसर। नीचे का कटिंग करके 1 तक पहुंचना चाहिए रहता है, तो आपको आंसर क्या मिला, 500। ओके तो ये वीडियो में मैं इतना ही दे रही हूँ, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।